हेलो दोस्तों, यदि आपने भी एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है और आपका डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार से अपना डीमेट अकाउंट को रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि आपका डीमेट अकाउंट बहुत पुराना रहता है, जैसे कि 2 साल, 4 साल या फिर 6 7 महीने पुराना भी रहेगा, तो क्या होगा कि आपका डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपने उसको ओपन भी नहीं किया और आपने डीमेट अकाउंट में अकाउंट बना लिया है तो आपको यहाँ पर ही एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपका डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप डीमेट अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो यदि आपको भी जाना था, आप हम वीडियो के साथ सुस लेकर तक बने रहेगा। तो चलिए सो आज की जो कमाल की वीडियो है, बिना देखे शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद, वीडियो जो है लाइक कर लीजिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिलता है, अकाउंट रीएक्टिवेटेड। दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, रीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर रीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है। जैसे कि यहाँ पर कंफर्म है पर्सनल डिटेल्स, यानी कि जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि आपका नेम, पैन कार्ड का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, यहाँ पर आपका एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो करने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो अर्थनेट के लिए आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को इंटर करना पड़ेगा। सिंपली आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा, जो आपने डीमेट अकाउंट में अपना डेट ऑफ बर्थ दिया होगा यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। जैसे इंटर करते हो उस पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट रिसीव, इनका आपका रिसीव कर लिया गया। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा और तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको 2 डेज लग सकता है, प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पर लग सकता है अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैक कर देना, यहाँ पर आपको मैसेज हो जाएगा। यहाँ पर आप मैसेज भी आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल रखा है यहाँ पर अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए, जो भी आपका रिक्वेस्ट है यहाँ पर सक्सेसफुली भेज दिया गया है। उसके बाद आप थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर आप जैसे नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं जैसे कि मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देखते हैं मुझे यहाँ पर मैसेज आ चुका है, जो आपका डियर कस्टमर, जो आपका अकाउंट है एक्टिवेट हो चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अपने जो एनुअल अकाउंट को मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर नेक्स्ट डेज में आपको यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा इस प्रकार से। तो आपको सिंपली आपको अपना जो एनुअल अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। जैसे अपना ओटीपी इंटर करते हैं, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप फिंगर इनेबल करना चाहते हैं, अपना फिंगर यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, जो भी आपका एम पिन है पुराना वाले यहाँ पर इंटर कर सकते हैं या फिर उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनेबल नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिस्क किया जाएगा, यहाँ पर आपको कंट्री पर क्लिक करके ये सारे प्रोसेस को आपको यहाँ पर स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप स्वैप यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सभी प्रोसेस आता है, जैसे कि यहाँ पर सभी ट्रेस वगैरह सभी जो भी ऐप को यूज करने का जो भी प्रोसेस है यहाँ पर बताता है। तो सिंपली तो यहाँ पर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से अपने डीमेट अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट को रीएक्टिवेट करके आपको दिखा दिया है। तो यही सेम प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टेप करके फॉलो करना पड़ेगा, तभी दोस्तों यहाँ पर अपना जो डीमेट अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद, वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इसी पर करके सभी वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।